नमस्कार साथियों, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था शीशम की जानकारी के विषय में। अब उन्हीं जानकारियों को आगे सतत रखते हुए हम देखेंगे यदि कुष्ठ रोग हो तो उसके लिए शीशम के 9 ग्राम बुरादे को करीब 125 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो शीशम का शरबत मिलाकर 40 दिन तक पिलाते रहें तो कुष्ठ रोग से मुक्ति होगी और रक्त में जो भी विकार हैं वह भी दूर हो जाएंगे। चर्म रोग यदि हैं तो तेल लगाएं। नेत्रों से संबंधित कोई रोग है, आंखें दुखती हैं, तब पत्तों का रस और शहद दोनों को मिलाकर कुछ बूंदे आंखों में टपका लें, आपको आराम मिलेगा। जिनको फीवर हो रहा है उससे निजात पाने के लिए शीशम का सत 20 ग्राम, पानी 320 मिलीलीटर, दूध 160 मिलीलीटर, इन सबको गर्म करें। जब दूध शेष रह जाए तो इसे मरीज को पिला दें तो किसी भी तरह का यदि बुखार है वह दूर हो जाए। इन सब के अलावा सावधानी का भी ध्यान रखना है, जैसे कि जो लोग उष्ण प्रकृति के हैं वे इससे दूर रहें। यदि उष्ण प्रकृति वाले लोग इसका उपयोग करते हैं तो उनको नुकसान से बचने के लिए बबूल की गोंद और शहद का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि जो होने वाला नुकसान है ऐसे व्यक्तियों को वो उससे बचे रहेंगे। तो इस तरह की जानकारियों को सही रूप से सही तरीके से उपयोग करते हुए आप अपने फायदों को उठाते रहें। चैनल पर बने रहें और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। नमस्कार।